शेख साहब यहाँ मिल गए हैं एयरपोर्ट पर। इनको मैंने इनके डब्बे थमा दिए। शेख को अभी हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया एयरपोर्ट पर, उसकी गाड़ी चली गई है। वो? बोल दे भाई किधर घंटा होगा बेला मार मार पागल हो गया यार। जहाज उड़िया मनु आंदे जहाज च मसला हो गया पैराशूट बन के छाल मारो। अच्छा। मैं छाल मारी कहते तेनू ही कढ़ना सी। जहाज दे प्लग ही ला के लै गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। शर्मा क्यों रहे हो, सलाम दो। 5 साल ले लिया मेरे साथ नहीं सलाम ले रही। अस्सलाम वालेकुम। ओए कर लिया सलाम। ये आप सबका वेलकम कर रही है। ओ जी ओ जी आया नु। आपके पास आना और मोबाइल पकड़ना। मोबाइल नहीं पकड़ना, ठीक है? बस सुकून से बैठो इधर ही। नाता कर लिया है? नाता किया नहीं किया? ओ बाबा ने भी नाता नहीं किया। एक शेर अर्ज है आपके लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, फिर वो ख्याल जुबा पर आकर बवाल मचाता है। आए हाय 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 हाय, वाह भाई वाह, क्या शेर मारती है। कुकू अभी मेरे बैकग्राउंड पर भौंकता जा रहा है क्योंकि इसकी अब तबीयत थोड़ी बहुत बेहतर हो चुकी है। और जब से इसकी तबीयत थोड़ी बहुत बेहतर हुई है ना ऑपरेट करवाने के बाद, तब से लेकर अब तक ये भौंकते ही जा रहा है। देखता हूँ कि इसको क्या मसला मसाइल है। हाँ जी जनाब, क्या मसला मसाइल है आपको? अच्छा, मुझे ना खुशी सिर्फ इस चीज की है कि कुकू की आँख अब बेहतर होती जा रही है। और इसकी आँख की बेहतरी ये पीछे इस नेक कवर का बहुत बड़ा हाथ है और इस केज का भी बहुत बड़ा हाथ है। नेक कवर का बहुत बड़ा हाथ इस तरह से है कि अगर ये नेक कवर ना होता तो कुकू को स्टिचेस पर खारिश होती होगी इसकी आंख पर जो लगे हैं ऑपरेशन के बाद। तो इसने उस खारिश की वजह से नाखून मार मार कर ना अपने इन स्टिचेस को उतार लेना था। और दूसरा, इस केज का धन्यवाद इसलिए अदा करता हूँ क्योंकि इस केज में मैंने इसको कल से लेकर आज तक कैद रखा हुआ है। वॉशरूम वगैरह करवाता हूँ, खाना साना बाहर लाकर खिलाता हूँ। अगर केज में मैंने इसको कैद ना रखा होता तो इसने इन दीवारों के साथ ना अपनी आंखों को रगड़ रगड़ करना स्टिचेस को खराब कर लेना था। तो फिर जब से इसका ऑपरेट हुआ है अभी तक तकरीबन कोई 16-17 घंटे हो चुके हैं। इन 16-17 घंटों में ना मैंने कुकू को केज में ही रखा है कि जब तक इसके स्टिचेस पूरी तरह से बेहतर नहीं ना हो जाते, 2-3 दिन लगेंगे, तब तक मैं इसको केज में ही रखूंगा। खाना शाना बाहर लाकर खिलाऊंगा, वॉशरूम बाहर करवा दूंगा, लेकिन केज में ही रखूंगा और इस पंखे को भी चला कर ही रखूंगा। कभी कभार ना आप पूरा दिन फ्री चल रहे होते हैं, कोई काम काज आपके करने के लायक नहीं होता, और आज वो मेरा दिन है कि मेरे पास कोई काम काज करने के लिए था नहीं। इसलिए भाई सुबह से लेकर अभी शाम के तकरीबन बज चुके हैं 4 बजे तक बैठकर मूवीज ही देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पर। और कमल भी फ्री थी, मैं भी फ्री था, मैं तो बैठकर मूवीज देख रहा हूँ। लेकिन कमल ने कहा कि मैं मूवीज पर अपना टाइम जाया नहीं करूंगी। मैंने कहा फिर तुमने क्या करना? कहती मैं जा रही हूँ सैलून। मैंने कहा चलो तुम सैलून चले जाओ, लेकिन एक काम जरूर है कि जब भी सैलून से वो फ्री हो जाएगी मैं उसको पिक करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि वो कैब वगैरह लेकर सैलून गई है, गाड़ी घर ही खड़ी है। तो जब भी वो फ्री होगी तब उसको बस पिक करने जाएंगे। अब फिर अपनी फाइल को दोबारा से खोलते हैं और मूवीज देखते हैं। मूवी तो देख ही रहा हूँ लेकिन साथ साथ कुछ खाने का इंतजाम हो जाए तो और ज्यादा जबरदस्त हो जाता है सीन। इसलिए घर पे बनी हुई थी खीर, मैंने कहा यार खीर थोड़ी सी भाई को कटोरी में डालकर दे ही दे। क्या हुआ, कहाँ क्यों नहीं जा रही? प्लान तो था कि आज सुकून से घर बैठूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, मूवीज देखूंगा, ऐश करूंगा। लेकिन तभी मुझे इन भाई साहब शेख साहब की कॉल आती है कि क्या कर रहा है। मैंने कहा मूवी देख रहा हूँ। कहता है एक काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्या काम? कहता है यार वो तेरे घर पर बॉक्सेस पड़े हैं ना, उनको लेकर एयरपोर्ट आ जा। मैंने कहा यार तेरा प्लान नहीं था मेरे घर आने का कि तू अपने बॉक्सेस भी उठाएगा फिर मैं तुझे एयरपोर्ट छोड़कर आऊंगा? कहता है यार मैं अभी जो तुझे बात करने लगा ना उसके बाद तू बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। मैंने कहा क्या बात? कहता है यार मैं अपनी फ्लाइट टाइमिंग से भी लेट एयरपोर्ट पहुंच रहा हूँ। मतलब 3 घंटे पहले उसने जाना था ना, तो वो तकरीबन 2 या फिर 1.5-2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचेगा। तो मैंने कहा अब क्या करूँ? कहता बस यार राजा। मैंने कहा यार अच्छा खासा सुकून से रेस्ट कर रहा था लेकिन रेस्ट अपने नसीब में है नहीं, इसलिए बॉक्सेस उठाऊंगा घर से पहले, फिर कमल को पिक करूंगा, कमल को पिक करने के बाद एयरपोर्ट जाऊंगा। ये पड़े हैं जी शेख के वो बॉक्सेस 1, 2, 3। अब इसने तीनों लेकर जाने हैं या 1-2 लेकर जाने हैं इस बात का मुझे इल्म नहीं है, इसलिए पहले उसको कॉल करते हैं। शेख को भी मैंने कॉल किया तो वो कह रहा है कि 30 kg मैं पैकेज लेकर जा सकता हूँ। 30 kg के लिहाज से अगर एक बॉक्स आता है 30 kg वो लिया, अगर 2 बॉक्सेस आते हैं 30 kg के लिहाज से तो वो लिया। फिर मैंने सोचा कि मैं इनका वेट कैसे करूँ। घर की जो वेट मशीन है उसी पर अब मैं इन बॉक्सेस का वेट करके चेक कर लूंगा कि 30 kg में एक बॉक्स आता है या 2 आते हैं। ये एक बॉक्स बना है 13.8 मतलब 14 किलो का। अब दूसरे को भी रखता हूँ फिर चेक करूंगा कितना वेट बनता है। ये रख दिया दूसरा। ये क्या वेट क्यों नहीं शो कर रही?
वेट मशीन, लगता है दोबारा से दोनों को उठा कर रखना पड़ेगा तब वेट होगा। बल्कि दोनों को उठाने की जगह अगर मैं एक एक करके वेट कर लूं तो वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? पहले दिमाग में आई नहीं ये बात। एक था 19 केजी का और दूसरा है 11 केजी का, मतलब दोनों को मिलाकर 30 केजी पूरा हो गया। तो फिर दो ही बॉक्सेस जाएंगे। बॉक्सेस रख लिए मैंने गाड़ी की डिक्की में और साथ में इधर का स्ट्रॉलर भी रख लिया, क्योंकि इधर को मैं साथ ही लेकर जा रहा हूँ। इधर मैडम को लेकर मैं आ चुका हूँ सैलून, अभी कमल का इंतजार है। कमल बाहर आएगी, इसको बिठाएंगे फिर जाएंगे। A few minutes later. हाँ जी आ गए हो, इसको कहाँ लेकर जाना है? वो अंदर मिल रहा है सबने। मिलने एजल को मिलने सबने। चलो जाओ जाओ जल्दी आना। One hour later. शेख साहब यहाँ मिल गए हैं एयरपोर्ट पर, इनको मैंने इनके डब्बे थमा दिए, ये दूसरा डब्बा भी निकालो और गाड़ी में रखो और ले जाओ। इमरान साहब इनको छोड़ने के लिए आए हैं एयरपोर्ट। मैं अब एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा रहा, बिकॉज मैं जाऊंगा बिला वजह की पूछताछ, इसलिए मैंने कहा है कि तुम लोग ही अपनी गाड़ी पर इनको लोड करके ले जाओ और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। जगह ही कोई नहीं होती। क्यों? बोले जो बैग पे है वो सीट पे रख ले। सीट पे रख लेना। हाँ ना सीट पे रखे, दिमाग हो तो इस्तेमाल करिए बंदा। शेख को अभी हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया एयरपोर्ट पर, उसकी गाड़ी चले गई है। हम लोग अब यहाँ से देखते हैं कहाँ लेकर जाएगी मंजिल। वैसे तो मंजिल घर लेकर जाएगी, लेकिन मैं घर के अलावा की बात कर रहा हूँ। प्लान है तुम्हारा किसी जगह जाने का? हाँ। कहाँ? आपको शॉपिंग करवानी है। मुझे? तुमने? क्यों, वजह होती है कोई? यार खुद खरीदने से बेहतर है अपने शोहर को साथ लेके जाएं, उसकी मनपसंद चीज उसे लेके दें। इट्स नॉट योर गिफ्ट ओके। वैसे मेरा दिल चाह रहा है पैसे खर्च करने को। तुम्हारा दिल चाह रहा है पैसे खर्च करने को, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हारे पैसे खर्च करूं। चलो ठीक है, इसलिए घर चल लेना, मुझे करवा दो शॉपिंग। नहीं तुम्हें क्यों करवाऊं, हमारा जब बर्थडे मंथ होगा तब तुम्हें भी करवा दूंगा। क्यों जी? मैंने आपसे पहले कहा है इट्स नॉट अबाउट योर बर्थडे मंथ, इट्स अबाउट माय माइंड माय हार्ट सेटिस्फेक्शन। सो चले तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो कि ये जब भी सैलून से होकर आती है ना, इसके अलग अलग तरह के दाने नुमा हो रहे होते हैं। मैं बताती हूँ ना, मैं फेशियल करवाती हूँ ना, मैं क्लींजिंग करवाती हूँ। मेकअप कर करके जो मेकअप गंदा मंदा करते हैं वो फंस जाता है, फंस के वो व्हाइट हेड बन जाते हैं। फिर आज मैंने फेशियल करवाया हाइड्रा वो भी, और ये व्हाइट हेड सारे निकलवाए। सुबह तक ठीक हो जाएंगे ये जो निशान है। हाँ, ये सुबह तक ठीक हो जाएंगे। कमल के काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद मैं भी आ चुका हूँ शॉपिंग करने के लिए। बस यहाँ से एक दो इस तरह की शर्ट या फिर इस तरह की कोई 50 फ्लैट ऑफ पर ले लूंगा। ज्यादा खर्चा नहीं ना करवाना चाह रहा यार मैं, इसलिए जो शर्ट मैंने अपने लिए खरीदनी थी वो खरीद ली है। अब चलें वापस? नहीं अभी तो नहीं, नहीं बस वापस चलो चलें। शॉपिंग हो चुकी है जी अपनी कंप्लीट, अब बस जाएंगे वापस घर। One hour later. फोन। बोल दे भाई। किधर? घंटा हो गया बेला मार मार पागल हो गया यार। यानी लाहड़े जहाज तो ही सही होता है यार। हाँ छाड़ के मरना नस गया तू, जैसा को लाश छोड़ के नाच जाते हैं। मुझे बोला कि जा तो मैं आया हूँ ना, मरने को अपना जेन इस्तेमाल करके को मसला भी हो सकता। गया नहीं जहाज उड़े सुन तो लेना, जहाज उड़े जे जहाज नहीं उड़े जहाज उड़े मनु आंदे ने जहाज मसला हो गया, पैराशूट बन के छाल मारो। मैं छाल मारी कहते तेन ही खड़ना सी। चाल कितने मारी थी, कितने लाए गए उते कमादा जी डिगे हैं भाई। वो तो पैदल आए, पैदल नहीं उबर दे हैं, कसम में जलील हो गया, घंटा हो गया बैला मार रहे हैं। कमादा जी उबर वाला की कर रहा है कमादा। उसारी सिम भी को काट ली ही, मैं उठाई ली सिम पा ली। हां ओ ना मनु सुई लब्बे के सिम बदला को उबर करा ओनु परा कर। यार वो बीमार है कुकु, उसका हाल पूछ नहीं। सही बता हुआ क्या है वापस? नहीं बवारी क्या? नहीं कैंसिल हो गया काम। क्यों पता नहीं की वजह हुई है, मैं कह दिहाड़ी पड़ा आ रहा है उसारी। नहीं फिर भी कैंसिल की फ्लाइट कैंसिल हो गई है? फ्लाइट कैंसिल हो गई, डिले हो गई हफ्ता। हैं नहीं ऐसे नहीं हो सकता यार, जहाज से प्लग ही ला के ले गए। मुझे क्या पता मरना जेना वापस आ जाएगा। नहीं शेख सही बता वापस क्यों आया? चंगा भला अथू गया मैं, पहले तो कस्टम शस्टम क्लियर शेयर कराया ना, बोर्डिंग से गया ना, उन्हें चेक इन किया, वर्क परमिट सी ना, कहता भैया ने आपने प्रोटेक्टर नहीं करवाया। प्रोटेक्टर मतलब वीजे को? वाह मनु कहता प्रोटेक्टर है, मैं कह जी फोन ते लगे है प्रोटेक्टर। कहता ये नहीं कि आपका वीजा प्रोटेक्टर होता है। वहाँ मनु भी आज ही पता लगे। अल्लाह की कसम तो तुझे जहाज में नहीं बैठने दिया, टिकट जाया
जाया 2,32,00 लग गया अंगूठे। ये जी शेख का सारा साजो सामान भी हम लोगों ने ऊपर से निकाल कर यहाँ रख दिया। चल अब अंदर चल, इसको रोटी खिलाओ, वापस आ गया है। लाइट इसकी उड़ गई है, ये यहाँ रह गया है। यार इससे तो पूछ लो। ओहो इससे क्यों पूछना, वापस क्यों आ गया? और शक्ल तो ही लग रहा है उसने जाना नहीं का। वो वीजा पे क्या कहती थी, क्या वो प्रोटेक्टर नहीं था तो जहाज वालों ने उतार दिया इसको। चंगा बोला दे दे, भूख लगी है। कुछ भी है और कुछ इसने सोना से ज्यादा पहन लिया ना, तो इसलिए लोग देख सोना सोना कितना सोना, ये सोने की अल्लाह की कसम। 25 तोला 25 तोला कितनी, 1, 2, 3, 4 चेन। ये कितने की होगी? अंगूठी भी भाई बात अंगूठी। वो एमजी, ये तो नकली है, ये नकली है, ये भी वैसे मुझे नकली लग रही है। अन्ना ना ने अपनी बुड्ढी को नहीं पाला, जिन्ना आप पा लेता सोना। जहरी गाले उधर ना चोखा जेवर तो मैं पाऊंगा। वैसे ये कितनी है? है 10 तोला है? नहीं नहीं 10 नहीं 5 तोला ये है। 6.5 6.5 कितने का बनता है? 2,08,000 नजर दे दे। 6.5 नहीं अभी नहीं है, 2,08,000 1,70,000 समथिंग। किधर है? ओए हाँ भाई सोना सस्ता हुआ है, सोना सस्ता हो गया है। 1,70,000 यार, 1,70 नहीं हुआ अभी, 1,90,000 तोला कितने का? 2 के पास नहीं यार, सस्ता हो गया। आपके भाई ने कितने में लिया? कितने में? 1,82,000 जो पिछले दिन डिगया नहीं है उदो ही ले लिया। ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਫ੍ਰੀ ਮਰੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਅਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਕੇ ਵਲੌਗ ਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਚਲ ਮਿਲेंगे ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਸਾਥ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।